मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भटके हुए बच्चों को सही राह दिखाने के साथ साथ उनको अपनों तक पहुंचाने के लिए मुरादाबाद की राजकीय पुलिस काम करेगी। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने पर विशेष किशोरी पुलिस इकाई का शुभारंभ कर दिया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने पहुंचकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा है कि बच्चों को सही राह दिखाने के साथ साथ उनको अपने तक पहुँचाने के लिए मुरादाबाद की राजकीय पुलिस काम करेगी, जिसको लेकर काफ़ी समय से योजना तैयार की जा रही थी। आज इस इकाई का शुभारम्भ कर दिया गया है। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार ऐसी समस्याएं सामने आ रही थी कि बच्चे भटक रहे थे और अपनों से नहीं मिल पा रहे थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज इस इकाई का शुभारंभ किया गया है। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर राजकीय पुलिस द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले भटके हुए बच्चों को सही राह दिखाने के लिए और उनके अपनों से मिलाने के लिए काम किया जाएगा। गुरुवार को मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर विशेष किशोर पुलिस इकाई स्टेशन का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने पहुंचकर इकाई का फीता काट कर शुभारंभ किया और पूरे स्टेशन को देखकर उम्मीद जताई कि भटके हुए बच्चों को सही राह दिखाने के लिए राजकीय पुलिस काम करेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर बच्चे नशे जैसी हालत में दिखाई देते थे और उनको सही रास्ता नहीं दिखाया जाता था। इसी उद्देश्य को लेकर अब रेलवे स्टेशन पर भटके हुए बच्चों को सही राह दिखाने के साथ साथ और अपनों से मिलाने के लिए काम किया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम के मौके पर यह भी बताया गया कि मुरादाबाद के इस जीआरपी थाने पर महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ भी कर दिया गया है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत इस महिला हेल्प डेस्क का उद्देश्य रहेगा कि रेलवे स्टेशन पर आने वाली महिलाओं की हर संभव मदद की जाए। थाना मुरादाबाद जीआरपी में आज विशेष किशोर पुलिस इकाई का इनॉग्रेशन किया गया है। मूलतः जो बच्चे जो कि कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ, जिनके ऊपर किसी तरह से वो कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं, इस तरह के बच्चों का मार्गदर्शन करना और उनको प्रॉपर गाइडेंस देना, साथ में उनके माता पिता से संपर्क में आना और किसी भी तरह की काउंसलिंग की यदि उन बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें वो काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, 24 आवर्स के अंदर उनको चाइल्ड लाइन में सुपुर्द करना और साथ ही अगर भिक्षावृत्ति में कुछ बच्चे इन्वॉल्व हैं किन्हीं कारणों की वजह से तो उनको उचित मार्गदर्शन देते हुए सही राह पर लाना। साथ ही बच्चों के ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, जहां पे बच्चे अभियुक्त हैं या बच्चे पीड़ित हैं, ऐसे मुकदमों की अच्छी पैरवी करने हेतु इस विशेष इकाई का शुभारम्भ आज थाना जीआरपी मुरादाबाद में किया गया है। क्या आवश्यकता महसूस करेगा? इसके लिए ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए थे कि इस तरह की एक विशेष इकाई हर जिले में बननी थी। अब क्योंकि मुरादाबाद का अनुभाग का हेडक्वार्टर्स मुरादाबाद में है, इसलिए मुरादाबाद थाने में इस विशेष इकाई का शुभारंभ आज किया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि जो भी बच्चे इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं उनको सही गाइडेंस देकर उनके मुकदमों की अच्छी पैरवी करके उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए ये बहुत अच्छी पहल सरकार की तरफ से, जिसका शुभारंभ आज यहाँ पर किया गया है। कौन कौन लोग रहेंगे यहाँ पर, किस किस टाइमिंग रहेगी? यहाँ पर जो है एक विशेष बाल अधिकारी जो एक होता है वो अपॉइंटेड इसका हेड होगा अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ द मुरादाबाद जीआरपी। और इसके अलावा यहाँ पर एक महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल जो कि जिनकी ज़्यादा आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि बच्चे अधिकतर इन लोगों के साथ खुलते हैं, अपनी पीड़ा बता पाते हैं, ये सभी लोग यहाँ पर कार्यरत रहेंगे। इसी के साथ साथ महिला हेल्प डेस्क भी अब मुरादाबाद जीआरपी पे और साथ में मुरादाबाद अनुभाग के सभी 14 थानों में कार्यरत हो चुकी है। और महिला हेल्प डेस्क जो है वो मिशन शक्ति का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध हैं या किसी तरह की समस्या में यदि कोई महिला हो और उसे तुरंत हेल्प की आवश्यकता हो, इसके लिए महिला हेल्प डेस्क को कार्यरत किया गया है। ये सभी 14 थानों में अब सुचारू रूप से चलनी शुरू हो चुकी है। मुरादाबाद स्टेशन पे आने वाले यात्रियों से कुछ कहना चाहते हैं? मुरादाबाद स्टेशन पे आने वाले यात्रियों को सबसे पहले मैं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि यह आने वाला साल हम सभी के लिए बहुत ही सुगम, बहुत ही मंगलमय हो। और ये भी मैं यात्रियों से अनुरोध करूँगी कि वे अपने यात्रा में अगर उनको किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो तो वो जीआरपी से तत्काल संपर्क करें। थानों हमारी जितनी भी ट्रेन है जिनमें भी एस्कॉर्ट चलता है उससे वो संपर्क में आए और यदि उन्हें कोई भी समस्या हो, स्पेशली महिलाएं, उनके लिए हमने महिला हेल्प डेस्क अपने हर थाने में एक्टिव कर दी है। साथ ही बच्चों के लिए हमने एक विशेष किशोर पुलिस इकाई आज उसका इनॉग्रेशन करा है। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाते हुए अपनी यात्रा को मंगलमय बनाएं, यही मेरी उनसे अपील है। जीआरपी थाने पर इस शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर पहुंचे सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने कहा है
कि ये राजकीय पुलिस का एक अच्छा प्रयास है जिससे फायदा भी पहुंचेगा और एक अच्छा संदेश मुरादाबाद के लिए जाएगा। इससे ये फायदा पहुंचेगा, जैसे जो बच्चे स्टेशन पे आते हैं भाग के, किशोरी अवस्था के होते हैं और वो अपने घर से गुस्सा होके या किसी प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो यहाँ पे वो बच्चों को पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया जाता है, पहले भी पकड़े गए हैं, पर इनको मोटिवेट करके, इनको गाइड करके, इनको सही यानी क्या काउंसलिंग करके इनको इनके घर का पता पूछा जाएगा। पता पूछने के बाद इनको चाइल्ड लाइन में पेश किया जाए, चाइल्ड लाइन को दिया जाएगा, चाइल्ड लाइन के बाद बाल कल्याण में पेश करके इनको घर तक पहुंचा जाएगा। और जो इनकी जो भटक गए हैं, जो बच्चे हमारे परेशान हो गए माँ बाप से झूठ बोल के और क्राइम में भी, उसके लिए भी हमें इसके लिए बहुत मदद मिलेगी, बच्चों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। कार्यक्रम का संयोजन व संचालन मुरादाबाद के जीआरपी थाने के इंचार्ज सुधीर कुमार द्वारा किया गया।